अजान की आवाज सही तरीके से लोगों के घरों तक या कानों तक न पहुंच पाने की वजह से रोजादारों का रोजा खराब हो रहा है। सही आवाज ना आने से लोग गलत तरीके से सहरी करते हैं और उनका रोजा जायज नहीं रह जाता। ऐसे कई परेशानियों से लोगों को निजात दिलाने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के ईशान्य मुंबई के जिलाध्यक्ष सिराज अहमद, गवर्नर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई पुलिस आयुक्त को लेटर सौंपा है कि अजान के टाइम और कुछ चीजों में सरकार रमजान तक फेरबदल करे ताकि रोजादार बेफिक्र होकर अपना रोजा खोल सके और सही समय पर उसको रख सके। आइए जानते हैं सिराज अहमद का इस पर क्या कहना है। मैं और मेरे पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता गवर्नर हाउस गए थे और वहाँ जाकर उनसे मिलकर मुलाकात की है। उनको हमारा एक निवेदन लेटर दिया है, निवेदन दिया है कि जो अजान का टाइम 6 बजे के बाद हो सकती है इसमें थोड़ा दिनों के लिए रद्दोबदल की जाए। सिर्फ 2 या 3 मिनट के लिए हमने मांगा है कि 2 या 3 मिनट पहले अजान का जो टाइमिंग होता है 2 या 3 मिनट होता है, तो अभी अजान का टाइम जो होता है 5:20 आज के हिसाब से 5:20 पे होता है और 40 मिनट का फ़र्क होता है, यानी 6 बजे के बाद अजान दे सकते हैं। सिर्फ 2 मिनट के लिए अजान का मौका दिया जाए ताकि जो लोग घरों के अंदर रहते हैं जहाँ तक उन तक आवाज़ नहीं जा पाती है या उनको मालूम नहीं पड़ता है कि अजान हो गई है और रोज़ा अब शुरू हो गया हमारा, तो इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, हमारी टीम ने रिक्वेस्ट किया गवर्नर साहब से। मैं गवर्नर साहब का आभारी हूँ, CMSS श्री शिंदे साहब का मैं आभारी हूँ, उन्होंने हमारा लेटर एक्सेप्ट किया और हमको आश्वासन दिया कि हम इस बारे में सोचेंगे और आपको बताएंगे। तो मैंने बताया कि ये जो टाइमिंग है बहुत कम टाइमिंग होता है सुबह का, जिसमें लोग उठते हैं फजर में, कुछ सहरी खाते हैं और जो क्योंकि इस्लाम का टाइम टू टाइम वाला हिसाब है और बिल्कुल 5:10 का टाइम होता है, उसके बाद से कुछ खाना नहीं होता है और 10 मिनट के बाद अजान होती है, तो अजान होने के बाद फौरन बाद नमाज का टाइम होता है, तो इस वजह से बहुत से लोगों की नमाज भी छूट जाती है, बहुत से लोगों के रोज़े भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने और मेरी हमारी टीम ने सबने मिलकर गवर्नर साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट की और शिंदे साहब से भी रिक्वेस्ट की और हमारा निवेदन दिए। इसके अलावा होम मिनिस्टर फडणवीस साहब को दिया लेटर और मुंबई कमिश्नर को भी लेटर दिया कि इस पर आप थोड़ा सा नरमी बरतें और मौका दें लोगों को इबादत का। सर, जिस तरीके से आपने सभी जगह लेटर दिया है तो किस तरीके का रिप्लाई उनके तरफ से आ रहा है, वो भी आपके साथ में सारी चीजों को लेकर सहमत थे या कुछ और चीजें चल रही? उन्होंने आश्वासन दिया, गवर्नर साहब ने तो आश्वासन दिया कि हम इस बारे में बात करके आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करें। मैंने बताया क्योंकि अभी ऑलरेडी 7-8 रोज हो चुके हैं और इसके पहले भी मैंने लेटर दिया था, कुछ आपका रिप्लाई मिला नहीं, तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन में हम आपको जरूर कॉल करेंगे, हमारे ऑफिस से कॉल आएगा और शिंदे साहब ने भी मुझसे यही कहा कि हम 2-3 दिन आपको इस बारे में बताते हैं, जो हो सकता है कोशिश करेंगे, ये उन्होंने कहा। जिस तरीके से टाइमिंग की अगर फेर बदल होती है तो इससे रोजे पर कुछ फर्क पड़ता है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए इस्लाम में टाइम का बहुत महत्व है, नमाज के लिए भी टाइम है, उसी टाइम पर ही नमाज होनी चाहिए, उसका दोनों के बीच का एक टाइम होता है, हर अजान के बाद एक 15-20 मिनट का 10 मिनट का टाइम होता है, उस बीच में ही अजान के बाद नमाज होनी चाहिए। ऐसे ही रोज़े में भी ऐसे ही रोज़ा पकड़ने शुरू करने से लेके रोज़ा छोड़ने तक का टाइम होता है, इतने बजे स्टार्ट करिए, जैसे 5:10 को स्टार्ट होगा तो शाम को 6:55 पर छूटेगा, तो 6:55 को ही छोड़ना चाहिए, अगर उससे लेट होता है तो रोज़ा मकरूह हो जाता है, तो उस रोज़े के मायने नहीं रहते। जिस तरीके से अजान होता है, आपने भी बताया कि कई सारे घरों में इसकी डिटेल नहीं पहुंच पाती, उसके वजह से भी जो है रोजा लोगों का खराब हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अगर अजान नहीं जा पाती है तो हमारे घर के लेडीज लोगों को मालूम नहीं पड़ता है या बच्चों को मालूम नहीं पड़ता है, तो उस वजह से रोजा खराब होता है, क्योंकि टाइम नहीं मालूम होता, लोग वक्त नहीं मालूम होने की वजह से खाते रहते हैं और टाइम आगे निकल जाता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जिन लोगों तक अगर ऐसे चीजें नहीं पहुंच रही है तो वो किस तरीके के ध्यान दें? देखिए मैंने तो वहाँ पर उनसे गुजारिश किया और मैं हर मोहल्ले वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने अपने एरिया में, अगर हुकूमत हमारा साथ दे रही है, कर रहे हैं बोले उन्होंने, अगर नहीं करते तो हम लोग अपने अपने मोहल्ले में गली में एक हल्के तरीके से भले अजान खुद दे, अजान देने में मना ही नहीं, आप अपने अपने एरिया में अजान दो और एक अपने एक हमारे एक अच्छे मैसेज को पास करें। मस्जिद वगैरह में किस तरीके से इन सारी चीजों को आप लेकर जा सकते हैं या इससे कोई मदद मिल सकती है लोगों को? मस्जिद में भी मैं यहाँ पे कुछ मस्जिदें हैं, इनसे मेरा बात चालू है
कि उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि वो लोग अपने जो कुछ खास लोग हैं या जो ये काम कर सकते हैं, यानी अजान तो कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर गली के कुछे पे कोई नुक्कड़ पे इस तरीके से अजान होए ताकि लोगों तक मैसेज जाए कि भाई नमाज का टाइम शुरू हो गया, अजान रोजे का टाइम अफ्तारी सहरी करने का टाइम अब ख़त्म हो चुका है और नमाज का टाइम शुरू हो गया, ये हर गली के आगे या मोहल्ले के आगे इस तरीके से अनाउंसमेंट या अजान होनी चाहिए, ये मेरा मकसद है।